सभी भक्तों को हर हर बोले जय गंगा मैया की। और आप दृश्य देख पा रहे हैं उदयपुर के सबसे प्राचीनतम स्थानों में से एक स्थान गंगू कुंड का स्थान है, जहां आज गंगा आरती जो है वो रखी गई है। आपको बता दें कि उदयपुर में लगातार कांवड़ यात्राएं जो है वो निकल रही है। परसों यानी 8 तारीख को भी एक कांवड़ यात्रा निकलने जा रही है, जो कि महाकालेश्वर को निकलेगी। और उसके बाद में जो है 9 तारीख को जो बड़ी कांवड़ यात्रा निकलने जा रही है वो जाएगी सीधी उबेश्वर महादेव, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर की जो है कांवड़ यात्रा जाएगी। दृश्य आप देख रहे हैं आज गंगा आरती के साथ, हरे रामा हरे कृष्णा गंगा मैया के जयकारों के साथ यात्रा, नगर के जितने भी धर्मार्थी है, धर्म संगठन है जितने भी, वो यहाँ विराजे हुए हैं। क्षेत्रीय पार्षद यहाँ जनप्रतिनिधि विराजे हुए हैं और इस विकास की इस गंगा में और भक्ति के संचार में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। कहते हैं कि जहाँ धर्म रक्षत है, रक्षत ही धर्मार्थ, यानी जहाँ धर्म की रक्षा होती है, जहाँ धर्म की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ संस्कार जीवित होते हैं। तो देखिए हंसते मुस्कुराते चेहरे, खिलखिलाते ये चेहरे एक दूसरे से मुलाकात करते हुए, देखिए दृश्य आपके सामने है, माँ गंगा की आरती है, लेकिन देखिए हंसते मुस्कुराते चेहरे। हरे कृष्ण हरे हरे हरे। तो देखिए यहाँ पर सभी के मित्रता की और एकता की तस्वीरें हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब धर्म की जाजम पर एकता। मैं रविंद्र पाल सिंह कपूर, आज बजरंग सेना मेवाड़ द्वारा गंगा महाआरती का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हम सब गंगू कुंड पर इकट्ठे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के महाआरती करेंगे। ये भगवान शिव का जो श्रवण मास चल रहा है उसमें एक बहुत पवित्र महीना माना जाता है और सब शिव जी की आराधना करते हैं, और शिव जी को आज हम सब मिल के उनकी महाआरती करने जा रहे हैं। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब उदयपुर वासी उनकी महाआरती में भाग लेंगे, और आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शुभ काम के लिए। जय भारत जय हिंद। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज ये गंगा आरती का महापर्व, तो ये पूरे यात्रा का दृश्य आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक दूसरे के प्रसन्नता के भाव के साथ। तो यहाँ देखिए सखियों का प्रेम और आपस में देखिए मित्रता के ये धागे बांधते हुए, इन धागों के पीछे बहुत प्रेम विश्वास एकता और एक दूसरे की मित्रता छुपी हुई है। जय श्री राम। ये आज जो गंगा आरती का जो प्रोग्राम है, सर्व लोग यहाँ पे अभी इकट्ठे हुए हैं और अभी धूमधाम से यहाँ पे आरती की जाएगी और बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। मैं रीना यदुवंशी उदयपुर से। हरी राम हरी हरी हरी।
देखिए आज बहुत ही धार्मिक प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, जैसे कि आज सावन के सोमवार का तीसरा सोमवार है और अभी दो बाकी हैं। आप सोच सकते हो कि जो शहर भर में आज भगवान भोलेनाथ की जो ये जो सवारी निकलेगी गंगोकुंड के यहाँ पर, आज जो महाआरती का प्रोग्राम रखा गया है उसको आप देख सकते हैं, कितनी भजन संध्या से सजाया गया है। आप देखिए और बात करिए, आप जितेंद्र जी जैन से हमारे साथ में लगे हुए हैं। जितेंद्र जैन भजन सेना संभागीय कार्यालय अध्यक्ष। 19वीं कांवड़ यात्रा जो यहाँ से गंगोकुंड से निकलने वाली है, इसके निमित्त हमारे यहाँ पे गंगा आरती का कार्यक्रम बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से रखा गया है। इस कार्यक्रम में सर्व संगठन, सर्व समाज संगठन से यहाँ पे पधारे हुए हैं, उनका मान सम्मान तिलक नाड़ा लच्छे के साथ किया जा रहा है। इसी बीच में हमारे बीच में इस्कॉन मंदिर से पधारे हुए प्रभु जी है, जो भक्ति संगीत के साथ में इसका कार्यक्रम का बढ़िया से मंचालन कर रहे हैं। तो भक्ति का ये संचार, आज गंगा आरती का ये आयोजन गंगोकुंड पे, हरिद्वार का जाने के बाद उदयपुर के इस प्राचीन गंगोकुंड पे सभी आते हैं, यहाँ आकर सभी स्नान करते हैं। ये बहुत ही प्राचीन परंपराएं हैं और आज भी हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से जिंदा है और इसको जिंदा रखा है सनातनियों ने। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, और ऐसा लग रहा है कि बहुत धार्मिक नगरी में, धार्मिक नगरी में घूम रहे हैं। उदयपुर से बहुत दूर एक गंगा जी का एक चौथा पाया ऐसा लग रहा है, गंगू महाकुंड में दिशा और दशा दोनों बदल दी गई है, सारा सनातन जाग रहा है और ऐसा अद्भुत दृश्य शायद देखने में नहीं मिला है। और ये सब आप मीडिया प्रभारी वगैरह सबका आभार, क्योंकि आप लोग पहले थोड़ा बता देते हैं जनता को तो जनता एकत्र हो जाती है, वरना इतने शॉर्ट टर्म नोटिस पर इतनी भीड़ आना, इतने दर्शक और श्रद्धालु, इसमें मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से आप बहुत सक्रिय हैं हर धर्म के प्रति, तो गोविंद जी आपका बहुत धन्यवाद, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से हम लोगों को चमकाते रहें और हमारे त्योहारों को एक बड़ा त्यौहार बनाते रहें। धन्यवाद। जय। ये आपका बड़प्पन है, भगवान भोलेनाथ की कृपा और सभी ईश्वर की कृपा, ईश्वरी कृपा सब पे बनी रहे। तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, भक्तिमय तस्वीरें आप देखें कि ये निकल रही है गंगोकुंड उदयपुर से, जो कि लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता और प्राचीन बजरंग सेना मेवाड़ द्वारा गंगा महाआरती श्री महोत्सव समिति द्वारा आयोजित कांवड़ यात्रा के अंतर्गत बजरंग सेना मेवाड़ द्वारा गंगा महाआरती में आप सबका हार्दिक सम्मान। हमारे साथ कमलेंद्र सिंह जी, सत्यनारायण जी, कुंवर विजय सिंह कछवा, डॉक्टर ओपी महात्मा, महिला शक्ति बसंती बहन व कई लोग उपस्थित है। फेडरेशन ऑफ एनजीओज ऑफ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ओपी महात्मा, महामंत्री कुंवर विजय सिंह कछावा, कोषाध्यक्ष सतनाम जी चौबीसा व आदि कार्यकर्ता आज इस बजरंग सेना मेवाड़ द्वारा गंगा महाआरती के कार्यक्रम में गंगोकुंड पर उपस्थित अपने अपनी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। तो भक्तिमय ये तस्वीरें और एकता की तस्वीरें, सनातनों की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उदयपुर के गंगोकुंड से, जहां एक दूसरे की मित्रता, एक दूसरे का व्यवहार, भाईचारा का प्रतीक। हालांकि ये श्रावण मास का जो महीना है ये पूरा भक्तिमय रहता है। दो दिन पहले आपने मेले के नज़ारे देखे, जहाँ एक दिन भाइयों का था, सामान्य मेला था, और वहीं दूसरे दिन बहनों का मेला था। आपस में बहनों का समन्वय, प्रेम और विश्वास कितना मजबूत है। देखिए यहाँ संत भी आ गए हैं और संतों का समागम भी, हाँ एक मिनट, संतों का समागम भी यहाँ हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में।